मेरे अपने शुरू के इनिशियल 13 साल प्रोफेशनल करियर के जो एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है कि जो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उसमें से कुछ लोग जो है ना वो टीम प्लेयर नहीं होते। जब मैं टीम प्लेयर की बात करती हूँ, वो खुद तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं या वो खुद तो कोई काम अचीव करना चाहते हैं, बट जब टीम की बात आती है तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं या वो सपोर्ट नहीं करते हैं। जब टीम की बात आती है, जब ग्रुप का सिस्टम आता है करके, तो उसके अंदर जो है जो उनको वैल्यू एडिशन देना चाहिए, वो वैल्यू एडिशन कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाता है, जिसकी वजह से हमेशा मैनेजमेंट के लेवल पे वो पर्सन इस तरीके से देखा जाता है या उसका उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके से बन जाता है कि ये बंदा सपोर्टिव नहीं है जब भी कुछ अच्छा ग्रुप में करा जा सकता है करके। सो आई वॉन्ट यू पीपल, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, कि टीम प्लेयर की तरह काम करो भाई साहब, एक टीम प्लेयर की तरह काम करो। बिकॉज जब टीम की तरह काम करते हैं तो एक और एक 11 होते हैं, और जब आप 11 बनाते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है, जब इंडिविजुअल पर्सन कैपेसिटी में बंदा काम करना शुरू कर देता है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, बट जब आप एक और एक 11 करते हो तो आप एक मैसिव इम्पैक्ट जो है कंपनी के अंदर ला सकते हो, जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। तो अगर आपको अभी तक एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह काम करना अच्छा लगता था, ग्रुपिंग में काम करना अच्छा नहीं लगता, या ग्रुप में काम करने में आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो मेरी सजेशन इसको जरूर मानिएगा कि आपको एक टीम प्लेयर की तरह, एक टीम में की तरह काम करना चाहिए। बिकॉज इससे काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको भी, आपके डिपार्टमेंट को भी, आपके HOD को भी, और आपकी ओवरऑल आपकी कंपनी को भी। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू कुछ सोचने के लिए कि शायद आप कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो।